खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, दुख की बात यह है कि इन्होंने अपना बिल्कुल बैंड बजा रखा है केवल विरोधात्मक राजनीति करके। जहां तक ये बात है कि इसको इंटरनेशनलाइजेशन क्यों किया जा रहा है, ये क्यों भूल जाते हैं, ये वही गैंग है जो कि मोदी के खिलाफ अपनी सारी मुहिम ग्लोबल स्केल पे ही करता है। उसको वीजा ना दिया जाए, ये सारे वेस्टर्न देशों के प्रधानमंत्रियों प्रेसिडेंट्स के पास उनके दरबारों में जाके भीख मांगे थे कि मोदी को वीजा ना दिया जाए। अब इनको हजम नहीं हो रहा कि जिस आदमी को इन्होंने इंटरनेशनल परिया बनाने की कोशिश की, उसने पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा कर लिया है बाय द शेयर फोर्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड कन्वेइंग, दुनिया को समझा के कि असली मुद्दे क्या हैं। और यहाँ इशू मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नहीं है, देश तोड़ने वाली ताकतों का है, जो कि हजम नहीं कर पा रहे कि ऐसी हुकूमत आ गई जो देश को अखंड देखना चाहती है, तोड़ना नहीं। अब जहां तक ये यूरोपियन डेलीगेशन का सवाल है, देखिए कोई भी सरकार, जाहिर है उसको हक बनता है वो किसको बुलाए किसको ना बुलाए। अब इनको तो खुशी तभी होगी जब माओवादी आए, जब पाकिस्तानी आए, जब आईसिस के नुमाइंदे आए, वो देखने आए कि अगर स्टोन पेल्टर्स को और जिहादियों को कश्मीर में कितनी फ्रीडम है, बम फेंकने वालों को कितनी फ्रीडम है और लोगों के घरों को जलाने वालों को कितनी फ्रीडम है। ये दे वांट फ्रीडम फॉर जिहाद, दे वांट फ्रीडम फॉर मेहम, और इनको और किसी की फ्रीडम नहीं। क्योंकि मुझे हैरत है कि इनको परवाह नहीं है कि जम्मू के लोग, लद्दाख के लोग खुशी मना रहे हैं, और इनको केवल 10-20 ऐसे अलगाववादी नेताओं को जो कि नजरबंद रखा है, वो भी 5-star होटल्स, ठीक है, 5-star होटल्स में, ठीक है, कायदे से इन्हें यूपी और आंध्र प्रदेश की जेलों में डालना चाहिए। नहीं नहीं, कईयों को तो आगरा भी ले जाया गया है, कईयों को आगरा ले जाया, कईयों को आगरा भी ले जाया गया। अब वकार साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, आकृति हाँ मधु किश्वर, बस एक सेकंड। अब मेजर लीडर्स आर, देखिए किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है, किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जब मैंने ये बात पूछी कि जो यूरोपियन यूनियन के जो लोग आए हैं ये ऑफिशियल टूर तो नहीं है, ईयू ने खुद कह दिया है कि ये ऑफिशियल टूर नहीं है, तो फिर इंटरनेशनलाइज कैसे हुआ? मोदी जी ने अपने दोस्तों को बुला दिया कि जैसे जैसे कैसे हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना, फिर इसका ऑफिशियल है तो नहीं, इसको इंटरनेशनलाइज कैसे कर दिया? ये तो टूर पर बुलाया, फिर ये बाकी प्रदेशों में भी जा रहे हैं उसको लेकर आपको आपत्ति क्यों नहीं है? बाकी प्रदेशों में भी जा रहे हैं उसको लेकर आपत्ति क्यों नहीं है? कश्मीर से ही आपत्ति क्यों है आपको? क्योंकि तो आप लोगों ने झूठ का भ्रम फैला रखा है लोगों को, वो खुलने वाला, झूठ का पर्दा हटने वाला, सच आने वाला, सामने सुन लिया, अकल आ जाएगी, बहुत सीख लेंगे आप। यू डेलीगेशन है, मतलब उसको पूरा सुन लीजिए, ट्रेंड कर रहे हैं, सीख लेंगे थोड़ा सा, सुनिए। सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन लोग हैं जो ये टूर, जिन्होंने ये टूर पैकेज ऑर्गेनाइज किया है, भारत सरकार को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? ईयू कह रहा है कि नहीं हमारे लोग नहीं है, हमने नहीं भेजा इनको, ये ऑफिशियल टूर नहीं है, भारत सरकार मुझे भी बना रही है। आप मोदी जी को बताना पड़ेगा देश को इनके पीछे कौन लोग हैं? शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए, किसने ऑर्गेनाइज किया है? अच्छा, कौन लोग हैं इनके पीछे? क्या साजिश है? क्या मंशा है? डिटेल दीजिए शाहनवाज हुसैन साहब। जिस मुल्क से आ रहे हैं, जिस मुल्क से ये लोग आए हैं, वो मुल्क कह रहा है ये हमारे ऑफिशियल टूर पे नहीं है। भारत सरकार किसने ऑथोराइज किया भारत को उनको ऑफिशियल बनाने के लिए? ये तो जिल्लत है भारत। जी जी जी, जवाब ले लीजिए आप। अरे जिल्लत आपको तो यही लगती है, हिंदू मुसलमान करने में जिल्लत नहीं लगती आपको? इन्हीं चीजों में जिल्लत लगती है। जब इस देश में धारा 370 लगाई गई, मैं तो दुआ ये कर रहा हूँ, कह रहा हूँ ओवैसी साहब ने किया ना जी, अल्लाह करे कुल हिंद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर हिंदू मुसलमान क्यों किया जनाब? देश जानना चाहता सैयद आसिम वकार साहब, इसलिए पहले जवाब सुन लीजिए। मैंने बहुत संयम से सब्र के साथ, सब्र रखिए, इन्नल्लाहि मअस साबरीन,
खुदा सब्र करने वालों के साथ है, जरा सब्र रखिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, पाकिस्तान के जरिए, कई ही अन्य मुल्कों के जरिए, कांग्रेस के कुछ नेता और विपक्ष के नेता के जरिए। हम लोगों ने कहा कि जब धारा 370 लगी, हमने कहा कुछ हमने एहतियाती कदम उठाए हैं, लेकिन जब माहौल अच्छा है, मोबाइल खुल गया, दुकान खुल गया, बाजार खुल गया, टूरिज्म खुल गया, कोई भी आना चाहे जाए, अगर जिसको भी ऐतिहासिक कदम देखिए, आप मुझे एक बार बोलने दीजिए, फिर मैं रूबिका जी नागालैंड में एक बार पूरी बात पूरी करने दीजिए। मैं नागालैंड में भी आऊंगा जी, नागालैंड में आपने दो राज्य शाहनवाज हुसैन, आप ऐसे नहीं मानेंगे मैं तारुफ दूसरा करवा देती हूँ, शायद मान जाए। एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज हुसैन साहब, सैयद असीम वकार साहब आपको ऐसे टाइम नहीं देंगे, मैं बताती हूँ। सैयद असीम वकार साहब, इनका नाम शाहनवाज हुसैन है, ये माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं। आप भूल जाइए कि वो बीजेपी के प्रवक्ता है, शायद अब आप इनको थोड़ा ज्यादा वक्त दे देंगे, ठीक है? अब बोलिए शाहनवाज हुसैन साहब। अरे मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कहा कि भाई आप आपने तो बहुत अच्छा काम नागालैंड में भी कर दिया, पार्टी का नाम दो झंडे करा दिए, दो राष्ट्रगान करा दिए, दो स्वतंत्रता दिवस करा दिए, उस पर तो बोल नहीं रहे शाहनवाज जी। जाइए मेरे पीछे कमल के फूल पे जाइए, मैं भी यहाँ कमल के फूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कोई मुस्लिम उलमा नहीं हूँ। सैयद आसिम वकार साहब की पार्टी का नाम ही मुसलमान के नाम है, ये सबकी पार्टी नहीं है, इसका नाम ही है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये मुसलमान के अलावा कुछ सोचते ही नहीं, हर बात पे, ये हवा पे, पानी पे, ये हवा पानी सबको हिंदू मुसलमान कर दें, ये पेड़ पौधों को हिंदू मुसलमान कर दें, ये पीपल को हिंदू का बता दें और नीम को अपना बता दें, ये ऐसी पार्टी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यहां अब माहौल अच्छा है, मौसम साजगार है, टूरिस्ट को भी हमने बुलाया है, कोई भी जा सकता है। बोल दीजिए अगर आपको भी जाना है तो सुबह की मॉर्निंग फ्लाइट पकड़िए, नागालैंड भाई है, आपको बढ़िया खाना भेजवा देंगे, चले जाइए। राहुल गांधी जाना चाह रहे हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? आपका सवाल वाजिब है, जवाब मैं आपको कह रहा हूँ, कोई नहीं रोक रहे जी, सुबह की फ्लाइट का टिकट करा दीजिए रूबिका जी, जाए वो, सारी फ्लाइट जा रही है, लोग जा रहे हैं, कौन रोक रहा है? एयरपोर्ट पे कोई रोक रहा है क्या? जब माहौल में थोड़ी कशीदगी थी तो हमने कहा कि थोड़ा रुक जाइए, जरा माहौल अच्छा कर लें तो जाइएगा। राहुल गांधी जी ने तो ऐसा बयान दिया जिस बयान का उपयोग इमरान खान ने कर लिया, पाकिस्तान ने कर लिया, शीरिन मजारी ने ह्यूमन राइट काउंसिल में जाकर कहा कि कश्मीर में सारे लोग बंद हैं, अब मिलिट्री खड़ी है, अब वहां पर माहौल अच्छा हो गया है, अगर कहीं के भी सांसद आ रहे हैं तो किसी को क्या दुश्वारी है? आने दीजिए ना जनाब। सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने तो बुलाया था, राहुल गांधी का, गांधी ने कहा लीजिए मैं आ रहा हूँ, फिर आपने कहा नहीं 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 कोई जरूरत नहीं आने की। अरे आपको ईयू के सांसदों को तो बसों में भर भर के आप भेज रहे हैं सर, और राहुल गांधी के लिए तो आप लोग इतना परेशान चाहे, हुए रहे हैं, कोई विधायक जाना चाहे, मिली तो लेते ना, नहीं है, हमने स्थिति को नियंत्रण में किया ना रूबिका जी, स्थिति को रूबी नियंत्रण में किया, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, जो जाना चाहे वो जाए। एबीपी न्यूज पर जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, वो प्लीज बता दे हाई कमांड को, बात सुनने कोई भी जा सकता है, राहुल गांधी वेलकम टू गो।